आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी का चुनावी महासंग्राम तेज हो गया है, भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र की बैठक में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान पूर्व विधायक कालीचरण सुमन ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा नेताओं ने दावा किया कि इस बार प्रचंड जीत होगी। यूपी चुनावी महासंग्राम की बिसात बिच चुकी है, मोहरे भी सजा दिए गए हैं, अब चाल चली जा रही है। प्रतिद्वंदी को कैसे मात दी जाए, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र की बैठक लेने से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का मंत्र देने के लिए फतेहाबाद रोड स्थित होटल रमाडा पहुंचे, जहां पर ब्रज क्षेत्र की बैठक जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जीत का मंत्र दिया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि किस तरीके से चुनाव की विसात पर चाल चलनी है, किस तरीके से जनता को अपने पाले में लाना है, क्या कुछ समझाना है, लाभार्थियों तक पहुंचना है, मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनानी है, सपा काल में हुए आपराधिक घटनाओं को जनता के सामने रखना है। ये सब मंत्र जीत का था, जिसे जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी ताकत के साथ चुनावों में जुटने की अपील की, कोई चूक ना हो जाए इसका मंत्र भी दिया। हर बूथ को जीतना है, जिससे विधानसभा को जीता जा सके और फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई जा सके। मंत्र में तो बैठक में संगठनात्मक चर्चा हुई है, क्योंकि चुनाव प्रारंभ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगी और भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उससे अधिक मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी बैठक में मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी भी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के महामंत्री अश्वनी त्यागी बैठक में थे, प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी बैठक में मौजूद थे। सामने चुनावों को जीतने वाली फौज बैठी थी। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना था कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोश भरने का काम किया। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आज विभिन्न विधानसभाएं जो हैं आगरा और आज 15 और दूसरे चरण में से आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, जिन जिलों की विधानसभाओं के बारे में उन्होंने संगठनात्मक चर्चा की है और वो तमाम दिशा निर्देश दिए हैं जिससे चुनाव जीता जाता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। अनुराग पांडे जी, रायेश्वर मंदिर में क्या पूजा अर्चना की? पूजा अर्चना क्या होती है मंदिर में? जो विधिवत मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था प्रथम राउंड में और ब्रज प्रांत में प्रथम फेज की चुनाव की शुरुआत उन्होंने राजेश्वर मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके की है। वेल ऑर्गेनाइज्ड हाफ डन, शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। ब्रज क्षेत्र की बैठक में मौजूद फतेहपुर सीकरी के सांसद, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी मौजूद थे। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर का कहना था, भाजपा बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोश भरने का काम किया है। संगठनात्मक बैठक है, हमारा सौभाग्य है कि आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए हैं। उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी, ब्रज क्षेत्र की टीम और हमारे जो विधानसभाओं के प्रभारी हैं, विस्तारक हैं, एक बड़ी जो पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक, उसके साथ बातचीत की है और सबको एक दिशा निर्देशन दिया है कि चुनाव को किस तरह से जीता जाए और जो इस प्रकार की प्रचंड लहर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, तो सभी का साथ लेके, सभी को विश्वास में लेके और सभी के प्रयास से हम लोग चुनाव जीते, यही मंत्र है। भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया। पूर्व विधायक कालीचरण सुमन भी भाजपा में शामिल हो गए, इसके अलावा अन्य लोग भी भाजपा में शामिल हुए। घंटों तक चली बैठक, घंटों तक जीत का मंत्र दिया गया, कई सत्रों में बैठक हुई। जीत का मंत्र लेकर
जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी अपनी विधानसभा में रवाना हो गए हैं, जिससे हर सीट पर कमल खिल सके। यूपी का चुनावी महासंग्राम तेज हो गया है। चुनावी महासंग्राम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। जीत का आशीर्वाद लेने के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2017 वाला इतिहास दोहराई। कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में जोश भरने का काम किया। अब देखना होगा कि मतदान वाले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जीत का मंत्र और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कितने कमल खिलाता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़।